पहली बार देखा है। हे नताशा, हैप्पी बर्थडे। Calculate and make a rough estimate for me. मैंने कहा था कि मैं नताशा की बर्थडे पार्टी में रहूंगी. Look, I need this report tonight. Shake it. Any problem? No. Thank you, though. Your first time? Shake it. Yeah, it's my first time. Let me guess. Friend's birthday. Yeah, it's my friend's birthday. Shake it. Happy birthday! Oh, okay, all right. So? It was nice meeting you. What? Listen, buddy, I think you've had enough to drink. Let's all have a good time. Gotta go. Hey! Let's have some fun. Get off! Get off! राज, ये तुझे हुआ क्या है? मैंने इतना सीरियस तुझे कभी नहीं देखा यार। छोड़ना यार मोंटी, आई नीड टू फाइंड दैट गर्ल बड़ी। उसने मेरी इतनी बेइज्जती की है ना, हद तक कभी नहीं हुई है। किसी भी कीमत पे मुझे उसे ढूंढना है। उसने तो एक ही थप्पड़ मारा था और तेरा वीडियो 3-4 बार दिखा रहा है। 2-3-4 जो जो बेटा, ये मेरा स्टाइल है जो लार्जर देन लाइफ हो जाता है। नाउ दिस विल हिट राज बैडली। साला अपने आप को रॉकस्टार समझता है, बहुत शो ऑफ करता है। अब देखो तमाशा। मैंने इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, डिस्को ग्रुप, स्टड ग्रुप, सब जगह फॉरवर्ड कर दिया है। यहाँ तक के उस बेवकूफ राज को भी। पूरे शहर को पता चल जाएगा कि राज मल्होत्रा को एक लड़की ने थप्पड़ मारा। बास्टर्ड, वीडियो बना रहा मेरा। यू कॉल योरसेल्फ अ फ्रेंड? बड़ी तू ने शट अप। औकात दिखा दी ना तूने? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे को रातों रात स्टार बनाया मैंने। व्हाट यू थिंक ऑफ दिस? रीना, विक्टर,
Meet Rina. Hi. Hey. My sister. Rina, this is Victor, my husband. Your brother-in-law. Sister? You never told me you had a sister. You never asked? It's a real pleasure to meet you. Rita ji, I hope you're as pleased to meet me as I am. Yeah, pleasure's all mine. Where were you all this while? The best is always saved for the last. Of course. Yeah. Ishani, do take good care of her. Sure, Victor. Where's Raj? वो नहीं है, लेकिन तुम कौन हो? मैं संजना, his fiance. But who are you? सुनैना. Who सुनैना? His first love. What? Shut up. You. क्या किया उसने? डैड उसकी हिम्मत तो देखो, मेरा फोन कट कर रहा है, मेरा. How dare he, डैड? अच्छा तुम्हारा फोन कट किया, इतनी सी बात ना, सिर्फ इतनी सी बात. हाँ, एंगेजमेंट वाली रात के बाद पार्टी रखी थी मैंने. हाँ तो? वो तभी से गायब है किसी लड़की के साथ. तुम्हें कैसे मालूम कि लड़की के साथ गायब है? कौन सी लड़की के साथ? कोई सुनैना, डैड. उसने राज का फोन पिक किया था, डैड. अच्छा ठीक है, तुम ठंडे ठंडे दिमाग के साथ. डैड, अब मुझे ये शादी नहीं करनी. You please keep him away from me. I just can't stand this guy anymore, Dad. Nobody loves me, Dad. Even you don't love me. No, no, बेटा. Nobody loves me, Dad. I love you, बेटा. I love you, बेटा. हाँ. ये लीजिए. रख दीजिए. और कुछ? बस आप चाहिए. जी. ओके ओके. कपूर चिंता मत करो. डोंट वरी, मैं खुद देखता हूँ. मैं राज से बात करता हूँ. छोटी सी बात पर रिश्ता थोड़ी टूट जाता है यार. ओके ओके. क्या बात है? क्या कहा कपूर साहब ने? जिसका डर था वही हुआ. ये राज ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, फिर वो सुनैना के साथ प्यार व्यार का चक्कर शुरू कर दिया इसने. डोंट वरी, मैं बात करती हूँ राज. नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे. अब जो कहना है मैं खुद कहूंगा. मैं जाकर देखता हूँ उसको. अरे चाय तो पीते जाइए. केके सर, खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना. ओ जस्ट शट अप. मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ. आखिर चाहती क्या हो तुम? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया. छोड़ दो मेरे बेटे को. सर, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनके आपकी हेल्थ के बारे में. If you don't mind me asking, honestly without offending you, अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए. राज को बुलाओ. बोलिए राज. इतना नशा चढ़ गया है तुम पर कि उसी को गले लगाए घूम रहे हो जो हमारी बर्बादी की वजह. सिर्फ इसी की वजह से, सिर्फ इसी की वजह से कपूर जैसे खानदान की बेटी से रिश्ता टूट गया हमारा. डैड, सुनैना को नहीं ठुकराना चाहिए था हमें.
गुजर रही हूं, लेकिन अब मैं इसके साथ हूं हमेशा हमेशा के लिए। जाइए डैड। आप ना कभी मुझे समझ पाए और ना कभी सुनैना को समझ पाएंगे। तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स नॉट राइट। सब ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। क्या हुआ? कितने सारे लोग है ना, सब कितने बिजी। हाँ, सब ट्रेन पकड़ेंगे, घर लौटेंगे। सभी का अपना अपना घर है। बोलो। क्या हुआ है? मन खराब है? अरे तुम इतना सोचते क्यों? मैं घर जाऊंगा, माँ पापा सबके साथ बात करूंगा और लौट आऊंगा यही एक दो घंटे में, तब तुमको ले जाऊंगा। ठीक है, कितनी दूर है तुम्हारा घर? यही है, मतलब एक दो घंटा मैक्सिमम। ओके। हाँ सुनो, आओगे ना? हाँ आऊंगा, आऊंगा। ठीक है, सुनिए, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? हेलो। हेलो, ये क्या विभाष कर्मकार का घर है? कट गया।
और एक बार करूं? अरे वो मिस्टर अग्रवाल का केक रेडी हुआ? कौन बोल रहे हैं? हेलो, सुनिए, मैं विभाष कर्मकार के साथ बात करना चाहती हूँ। मैडम, मैं बोल रहा हूँ, ये रॉन्ग नंबर है। नहीं नहीं, मतलब विभाष कल होटल से निकलने से पहले तो यही नंबर देखे गया था। ये नंबर? ये उसके घर का नंबर नहीं है? नो नो, इट्स फ्लोरिस। फ्लोरिस मैडम। फ्लोरिस? यस। मैडम, आज के कमरे का भाड़ा दे जाइए। कमरे का भाड़ा? मेरे पास तो पैसे नहीं है। मतलब? विभाष आने से मैं पैसे दे दूंगी। विभाष और नहीं आएगा। होटल के खाते में अपना नाम लिखा आलोक, घर का नंबर दिया फ्लोरिस का, और आएगा? मतलब निकल गया। जो भी हो, मेरा पैसा दे जाइए। अच्छा, बाद में। अरे क्या हुआ मैडम? देखो लड़की, मेरे होटल में आके हमको बिना पैसा दिए भाग जाओगी, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारा वो विवाह या आलोक जो भी हो, वो और आएगा नहीं। इसीलिए हम तुम्हें पैसा कमाने का सीधा और आसान रास्ता बताते हैं। बिस्तर सजाओ, पैसा कमाओ, मेरा पैसा लुटाओ, होटल छोड़ो। कुछ ही देर में दो आदमी को भेजता हूँ। एक घंटा